खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। महाराष्ट्र सरकार ने यवतमाल में अब तक 13 लोगों की जान ले चुकी आदमखोर बाघिन को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसके लिए वन विभाग ने 5 हाथियों को लाया है। शिकारी हाथी पर बैठकर बाघिन के शिकार का अभ्यास कर रहे हैं। सभी हाथियों को जंजीर से बांध कर रखा गया था, लेकिन मंगलवार शाम अचानक एक हाथी जंजीर तोड़कर कैंप से भाग निकला और गांव वालों पर हमला कर दिया। इस दौरान हाथी के हमले में एक महिला की मौत भी हो गई। हाथी ने रास्ते में कई और लोगों पर भी हमला किया, इसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बेकाबू हाथी को बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने काबू में किया। गौरतलब है कि यवतमाल के राले गांव में पिछले 13 महीने से बाघिन का आतंक है। बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 200 लोगों की टीम बनाई है। यवतमाल से सैयद मुजीबुद्दीन, खबरदार।